बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे बैंकॉक में सस्ते में हम घूम सकते हैं, सस्ते में अच्छा डिनर लंच कर सकते हैं और कैसे हम सस्ते में होटल बुक कर सकते हैं। इसके पहले हम वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में डिस्कस करे थे, उसका लिंक दे दी है, वो चेक कर लीजिए। That means this video is all about a guide for budget-friendly Bangkok tour. कभी कभी थाईलैंड में इंडियंस का वीजा ऑन अराइवल में ऑफर चलता है, मतलब आप वीजा ऑन अराइवल करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। जैसे 2019 अक्टूबर तक इंडियंस का वीजा ऑन अराइवल टोटली फ्री है, मतलब आप ये ऑफर का टाइम में आएंगे तो वीज़ा के लिए आपका लगभग 4000 रुपया बच जाएगा। याद रखिएगा, आपको वीज़ा मिलने के बाद ही आपका चेक इन लगेज मिलेगा। बैंकॉक एयरपोर्ट में आपको फ्री वाईफाई मिलेगा और ग्राउंड फ्लोर में आपका 4G 3G का सिम भी मिलेगा। आप 10 दिन या 7 दिन के लिए कोई भी सिम खरीद सकते हैं। 7 डेज वैलिडिटी का एक सिम आपको लगभग 300 बाट में मिल जाएगा। बैंकॉक में ड्रिंकिंग वाटर बहुत कॉस्टली है। आपके पास कोई खाली बोतल है तो उसको आप भर सकते हैं एयरपोर्ट में। इधर फ्री वाटर मिलता है तो आपको कुछ बचत हो जाएगा। इंडिया में जैसे कार्ड पेमेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन बैंकॉक में ये कार्ड पेमेंट अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। आपको बहुत समस्या हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश कैरी करें और कैश से आपका काम चला लीजिए। आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या ट्रैवल कार्ड हो सकता है, लेकिन थाईलैंड में एटीएम के जो विथड्रॉल चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 रुपया। तो आप ज़्यादा कैश कैरी कीजिएगा तो आपका सेविंग्स होगा। इधर ग्राउंड फ्लोर में आपका टैक्सी बूथ मिलेगा या एक मोबाइल का ऐप है जो GRAB, ग्रैब ऐप। ग्रैब ऐप से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, जैसे हम इंडिया में करते हैं ओला उबर से। लेकिन ये ऐप कैब से मीटर टैक्सी थोड़ा सस्ता है, उससे भी सस्ता है इधर मेट्रो रेल और सबसे सस्ता है इधर लोकल बस। एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 2 का ग्राउंड फ्लोर का जो 9th एग्जिट गेट है, उसका पास में आपको ये लगेज काउंटर मिलेगा। इस लगेज काउंटर में आप अपना लगेज कुछ घंटे के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं या अपना लगेज अपना होटल में डिलीवरी भी करा सकते हैं। उसके लिए कुछ फिक्स चार्जेस हैं, ओनली 69 भाट पर लगेज। अगर आपको कुछ घंटे के लिए रूम चाहिए तो एयरपोर्ट के अंदर में आपको ये रूम मिल सकता है। मिराकल बॉक्स करके एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको आवर्ली बेसिस में रूम दिला सकते हैं, लेकिन उसका रेंट बहुत हाई है। अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली रूम चाहिए तो आपको एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है उधर से आपको बाहर आना पड़ेगा, और एयरपोर्ट के बाहर में आपको कुछ होटल्स मिलेगा जहाँ पर आपको थोड़ा सस्ते में आवर्ली बेसिस में रूम मिलेगा। एयरपोर्ट के बाहर एक पॉकेट फ्रेंडली होटल है जिसका नाम है फूम हाउस, जिधर आपको रूम मिलेगा 300 वाट में 4 या 5 घंटे के लिए। थाईलैंड में जो भी बजट का रूम है, सभी होटल का रूम बहुत क्लीन होता है, और ये भी होटल का रूम बहुत क्लीन है एंड एयर कंडीशन है। इधर मैप में देख लीजिए, जो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 1 से जो रास्ता है उस रास्ता से आप आइए, एक ओवर ब्रिज है जिसके नीचे से ट्रेन लाइन है। उस ओवर ब्रिज में आके थोड़ा 200 मीटर आएंगे तो ये फूम हाउस आपको मिलेगा। बैंकॉक सिटी में मेट्रो कनेक्टिविटी है। मेट्रो का जो मैप वो आपको इधर दे देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। बैंकॉक में जो फेमस सी लाइफ एक्वेरियम है, उधर आपको जाने के लिए जो सियाम मेट्रो स्टेशन है उधर आपको उतरना पड़ेगा। बैंकॉक में बस सर्विस बहुत सस्ता है, आप एयरपोर्ट से पकड़ लीजिए A1 बस और आ जाइए मोचित मेट्रो स्टेशन पर। मोचित स्टेशन से आप मेट्रो पकड़िए और उतरिए सियाम स्टेशन में। सियाम स्टेशन के बगल में ही है वो फेमस सियाम सी लाइफ एक्वेरियम। आप ये सी लाइफ में मेट्रो और बस पकड़ के आएंगे तो आपका 75% सेविंग्स होगा। हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में सियाम सी लाइफ के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप गूगल मैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालेंगे
तो गूगल मैप आपको बता देंगे उस डेस्टिनेशन में कौन सी बस जाएंगे। मैं भी गूगल मैप यूज़ करके ट्रैवल किए थे, इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। अभी हम आपको बताएंगे एयरपोर्ट के आसपास कौन सी जगह में आपको सस्ते में अच्छे खाना मतलब लंच डिनर या टिफिन मिल सकते हैं। एयरपोर्ट का जो एक नंबर एग्जिट गेट है उस गेट से आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर 2 मिनट पैदल जाने के बाद आपको एक फैमिली मार्ट शॉप मिलेगा और वो फैमिली मार्ट शॉप के बगल में आपको एक फुट ओवरब्रिज मिलेगा। उस फुट ओवरब्रिज के नीचे से बैंकॉक का ट्रेन जाता है। देखिए बैंकॉक का ट्रेन है ये। आपको जानकर खुशी होगी इस ट्रेन से आप कुआलालंपुर होके सिंगापुर भी जा सकते हैं। इसका बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब बाई ट्रेन बैंकॉक टू सिंगापुर वाया कुआलालंपुर। इस फुट ओवरब्रिज का इस बार में इधर बहुत सारा रेस्टोरेंट मिलेगा, छोटे शॉप भी मिलेगा जहाँ पर बहुत सस्ते में आपको फूड मिल सकता है। एज एग्जांपल इधर एक पीस चिकन सॉसेज मिलेगा आपको 10 बाट में। एयरपोर्ट का गेट नंबर 5 और 6 से आपको एसी बस सर्विस मिलेगा। इधर देख लीजिए बस नंबर A1, A2, A3, A4 इधर लिखा हुआ है कौन सी बस कहां पर जाते हैं और उसका किराया कितना है। अगर आपको सियाम पुसन सी लाइफ में जाना है तो आप A1 बस पकड़िए। A1 बस मोचित जाएंगे। मोचित उतरने के बाद आपको मेट्रो पकड़ना होगा। उधर मेट्रो पकड़ के आप उतरिए सियाम स्टेशन में। सियाम स्टेशन के बगल में है सियाम पैरागॉन शॉपिंग मॉल और ये सियाम पैरागॉन शॉपिंग मॉल का ग्राउंड फ्लोर में ही है वो सियाम सी लाइफ एक्वेरियम। और हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में सियाम सी लाइफ का डिटेल्स वीडियो अपलोड करेंगे। और आपको वाट अरुण जाना है तो आप A2 बस पकड़िए। A2 बस पकड़ने के बाद आपको जाना है विक्टोरी मोनूमेंट। आपको लगेगा 30 बाट और विक्टोरी मोनूमेंट उतरने के बाद आप एक टैक्सी पकड़ लीजिए और टैक्सी से चला जाइए वाटरून। अगर आप बैंकॉक में मेट्रो से या बस से ट्रैवल करेंगे तो आपका 70% कॉस्ट सेविंग्स हो जाएगा। बैंकॉक का बस बहुत सुंदर है। इधर 90% बस एयर कंडीशन है और बैंकॉक सिटी का सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है ये बस। अभी हम विक्ट्री मोनूमेंट में हैं और ये जो A2 बस है ये डायरेक्टली एयरपोर्ट से आए हैं। और ये विक्ट्री मोनूमेंट जो है ये एयरपोर्ट से लगभग आधा घंटा दूरी पर है। अगर आप बैंकॉक में 2-3 दिन रहना चाहते हैं तो आप अपना होटल ये विक्ट्री मोनूमेंट के आसपास बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास में जो होटल है वो बहुत कॉस्टली होता है और आप बहुत इजीली इधर
विक्ट्री मोन्यूमेंट में आ सकते हैं बस से, A2 बस से, और इधर कुछ दिन रह सकते हैं। और ये विक्ट्री मोन्यूमेंट एक सेंटर जगह पर है जहाँ से आपको साइट सीइंग में थोड़ा सुविधा होगा। विक्ट्री मोन्यूमेंट में एक स्ट्रीट मार्केट है, वहाँ बहुत सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं। इधर से आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। इधर सस्ते में अच्छे क्वालिटी का आइटम्स आपको मिल जाएगा। इधर कपड़े, जूते, रिस्ट वॉचेस, सनग्लासेस, बैग्स, वॉलेट और भी बहुत सारे आइटम्स का शॉप है। ये सस्ते भी है और अच्छे क्वालिटी का भी है। ये देखिए ये सारे कपड़े की दुकान, और इधर आप सस्ते में कपड़े खरीद सकते हैं। इधर जेंट्स के शर्ट, टी शर्ट, लेडीज़ टॉप के प्राइस है 100, 160, 79 वर्ट। चाहे तो आप अपने लिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इधर से खरीद सकते हैं। इस मार्केट से आप अच्छे अच्छे रिस्ट वॉच ओनली 100 वाट में खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकॉक के सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।